हेमाराम इस्तीफा प्रकरण पर विधानसभा का बयान। विधानसभा सचिवालय को ईमेल से मिला है हेमाराम चौधरी का इस्तीफा। इस इस्तीफे पर नियमानुसार की जाएगी कार्यवाही। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जारी करवाया ये बयान। फिलहाल पेंडिंग रख दिया गया है हेमाराम के इस्तीफे को। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर भूसाल। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने दिया इस्तीफा। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भेजा स्पीकर को। हालांकि एक बार पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हेमाराम चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर है इस्तीफा स्वीकार करना या नहीं करना। मंत्री न बनाए जाने के कारण फरवरी 2019 में की थी इस्तीफे की पेशकश, लेकिन तब कांग्रेसी नेताओं ने मना लिया था हेमाराम को। सचिन पायलट के साथ बागी ग्रुप में शामिल थे हेमाराम। अब भविष्य में फिर मंत्री बनने के अवसर नहीं दिख रहे। वहीं बाड़मेर की राजनीति में हरीश चौधरी हैं सबसे ताकतवर। ऐसे में भावुक हेमाराम ने स्पीकर सीपी जोशी को भेजा इस्तीफा। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर राजेंद्र राठौड़ का बयान। कहां आखिरकार कांग्रेस का अंत विरोध सामने आ ही गया। एक वरिष्ठ विधायक की अनदेखी हुई तो इस्तीफा दिया। सरकार के जहाज के पैंदे में सुराख हो गया है और इस इस्तीफे से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया है। दिल्ली में आदित्य नागर की रिपोर्ट। हेमाराम इस्तीफा प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट। डॉक्टर सीपी जोशी ने की गहलोत से चर्चा। हेमाराम चौधरी द्वारा स्पीकर को भेजे गए इस्तीफे पर चर्चा, लेकिन दोनों ही नेता इस इस्तीफे को लेकर नहीं ज्यादा गंभीर, क्योंकि पहले ही बार बार इस्तीफा देने की धमकी देते रहे हैं हेमाराम। सरकार में अपना काम न होने पर इस्तीफा की करते आए हैं बात। फरवरी 2019 में भी कर चुके इस्तीफे की पेशकश। हालांकि इस बार सचमुच दे दिया है हेमाराम ने इस्तीफा। सीधे स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा भेजकर बड़ा ही गंभीरता, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर आलाकमान में भी नहीं देखी कोई प्रतिक्रिया या चिंता। अजय माकन भी इस इस्तीफे को नहीं मानते कोई गंभीर या बड़ी घटना। पहले की तरह अब भी गहलोत सुलझा लेंगे इस इस्तीफे का प्रकरण को। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के संबंध में वर्चुअल बैठक। कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया भी मौजूद। इंश्योरेंस को लेकर टेंडर जारी करने पर होगा फैसला। खरीफ की फसल के लिए होना है इंश्योरेंस केंद्र। सरकार की नई गाइडलाइन पर विचार। अब तक के इंश्योरेंस दावों को लेकर भी चर्चा। श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र के बीकानेर उपखंड में कोविड 19 प्रबंधन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रशासन व पुलिस तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ व्यवस्थाओं का जायजा। सघन निरीक्षण तथा जन जागरूकता अभियान। जयपुर समेत 30 जिले प्रभावित हो गए। 12 में भारी बारिश होगी। 60 किलोमीटर की गति से चलेगी हवाएं। 8 बड़ी कंपनियों से बातचीत जारी। ग्लोबल टेंडर भी निकाला। ब्लैक फंगस की दवा के 2500 वायल खरीदेगी राज्य सरकार। मौसम। जयपुर में 3-4 दिन तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का दौर चलेगा। ताऊते की दस्तक से लुट का पारा। राजस्थान में दिन का तापमान 34.6 डिग्री। ताऊते का असर। गुजरात के 17 जिले प्रभावित। महाराष्ट्र में अस्थायी शेल्टर बनाए गए। गुजरात में 2,00,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। 1200 किलोमीटर का सफर। सैटेलाइट और 5 रडारों से की गई निगरानी। तूफान का असर। चक्रवात देर रात को गुजरात के तट से टकराया। इसका असर जालौर तक दिखेगा। 2 दिन तेवर दिखाएगा ताऊते। आज 60 किलोमीटर की गति से अंधड़। साइंस तक बारिश की चेतावनी। प्रयागराज के सरंगवेरपुर से जहां पिछले दिनों सैकड़ों लाशें मिली थी, 200 के बीच में 1 मीटर का भी फैसला नहीं। गंगा किनारे 1 किमी दायरे में इतनी लाशें की गिनती भी मुश्किल। लॉकडाउन में काली घाटी की सड़क भी खाली खाली। इसी सन्नाटे से हारेगा कोरोना।